हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप शहर के शोरगुल से परेशान हो चुके हैं और किसी शांत जगह पर जाकर कुछ पल नेचर के बीच शांति से बिताना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के छावनी शहर लैंसडाउन के बारे में, जो कि दिल्ली का सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन है। नॉर्मली यहाँ पर बहुत कम क्राउड होता है और ज़्यादातर मौसम सुहाना ही बना रहता है। लैंसडाउन घूमने की आपके पास सबसे बड़ी वजह यहाँ की शांति और सुकून है। इसके अलावा यहाँ पर कोई खास घूमने की जगह नहीं है, जो है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, टिपन टॉप। यह लैंसडाउन का सबसे फेमस स्पॉट है। यहाँ से एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ से हिमालयन रेंज की चोखंबा और त्रिशूल पीक भी दिखाई देती हैं। नंबर दो, सेंट मैरी चर्च। 1896 में बना यह चर्च टिप एंड टॉप के पास ही है। यह सिर्फ रविवार और शनिवार को ही खुलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चर्च, सेंट जॉन चर्च, पास में ही है। नंबर तीन, भुल्ला ताल। यह एक शानदार पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर एक बड़ा तालाब जिसके चारों तरफ शानदार हरियाली है। यहाँ पर तरह तरह के फूलों के पौधे, बत्तखें, खरगोश देखे जा सकते हैं। झील की देखरेख भारतीय सेना करती है। नंबर चार, भीम पकौड़ा। भीम पकौड़ा पर जाने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ चार विशालकाय पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें अपने एक हाथ से हिला सकते हैं। नंबर पाँच, दरवान सिंह म्यूजियम। यह म्यूजियम छावनी के अंदर है, जिसमें कि गढ़वाल रेजिमेंट से जुड़े हथियार व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया गया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट अपनी वीरता के लिए विख्यात है। म्यूजियम खुलने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक है। यह म्यूजियम बुधवार को बंद रहता है। अगर आप लैंसडाउन आए तो गढ़वाल राइफल के इस म्यूजियम में जाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, लैंसडाउन के सभी ट्रैवल स्पॉट पास पास ही हैं। आप एक दिन में सभी जगह आराम से घूम सकते हैं। अगर आप NCR से घूमने आ रहे हैं तो 2 नाइट 1 डे का प्रोग्राम बनाएं। नाइट स्टे के लिए आपको यहां होटल मिल जाएंगे, लेकिन टिप एंड टॉप के बिल्कुल बराबर में गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक शानदार रिसोर्ट है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, लैंसडाउन के पास घूमने की एक अन्य जगह ताड़केश्वर महादेव मंदिर है, जो कि लैंसडाउन से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर लैंसडाउन आने के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में आया जा सकता है। विंटर में स्नोफॉल के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बरसात में यहाँ भूलकर भी ना आए, क्योंकि कोटद्वार से लैंसडाउन तक का खो नदी के किनारे का रास्ता लैंडस्लाइड के डेंजर जोन में आता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।